हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई साहब शुभम और फोन शुभ जी का चैनल। होप यू ऑल विल बी डूइंग फाइन। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कि इस साल यानी कि 2023 सेशन में कौन कौन सी जो ब्रांचेज हैं वो आपको इंक्लिनेशन की तरफ दिख सकती हैं और कौन कौन सी जो ब्रांचेज हैं वो आपको थोड़ा डिक्लाइन होती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, सभी ब्रांचेज के बारे में आज हम बात करने वाले इस वीडियो के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी अपडेट्स होंगे आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पे जितने भी अपडेट्स होते हैं नीट पीजी 2023 से रिलेटेड वो आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे आपको कंप्लीट वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट जाएं, वहाँ से आप सीधा जो हमारा टेलीग्राम चैनल उसको आप ज्वाइन वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से उसको फिल कर दें, वहाँ टीम से आपको यहाँ पे कॉल बैक कर लिया जाएगा और हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं, नंबर नीचे दिया उस पर कॉल करके। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जहाँ पे आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज वो ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वहाँ पे पे करके आप अपना जो स्लॉट है वो बुक कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, लिमिटेड स्लॉट्स हमारे बचे हैं और जल्दी हम उसको भी यहाँ पे और करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जो अपना रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे आपको करवा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो नंबर नीचे उस पर कॉल कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली आके मिल सकते हैं मेरे ऑफिस में, नोएडा में हमारा ऑफिस है, सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पे। ठीक है, आप जस्ट वहाँ से उतरे दिल्ली NCR से जो भी हैं तो वहाँ पे आ सकते हैं। एड्रेस का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और जो इसके अलावा जो जो है जो डॉक्टर्स हैं बेंगलोर साइड से या मुंबई से हैं या पुणे से हैं वो हमारे उन ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। नंबर नीचे जो उस पर कॉल करके आप जान सकते हैं कि कहाँ आपको एड्रेस जो भी है वो चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक सपोज मैं आपको एक सेगमेंट में अगर डिवाइड करूँ ब्रांचेस को, तो हायर क्लिनिकल आती है, दूसरा मिडिल क्लिनिक और तीसरा आता है लोअर क्लिनिकल साइड। ठीक है, और उसके अलावा नॉन क्लिनिकल आ गए, फिर बाद में पैरा क्लिनिकल ब्रांचेज आ जाती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें हायर क्लिनिकल ब्रांचेस की तरफ, तो जो सबसे पहले नंबर आता है वो आता है यहाँ पे रेडियोलॉजी ले सकते हैं, मेडिसिन हो गई, ठीक है, जनरल मेडिसिन, इसके अलावा डर्मा हो गई। ठीक है, उसके अलावा और बाकी ब्रांचेस उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब जो एक सबसे बड़ा यहाँ पे कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स को बीच वो रहता है कि हमें जो हाई क्लिनिकल की तरफ देखते हैं वो चाहे वो रेडियो लें या वो मेडिसिन लें। ठीक है, दोनों की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। हालांकि जो लास्ट अगर हम ट्रेंड्स देखें मेडिसिन काफ़ी इंक्लिनेशन की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, रेडियो में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाँ ये है कि जो गवर्नमेंट में अगर बात करें तो वो जल्दी खत्म हो जाती है, 5000 तक यहाँ पे रैंक पे ऑलमोस्ट सारी रेडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है, और जो जनरल मेडिसिन है 400 से 500 रैंक आपको देखने को फर्क यहाँ पे मिलता है। ठीक है, लेकिन मेडिसिन का ये है कि एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ब्रांच है, चाहे वो अगर 5000 रैंक वाला बच्चा हो, चाहे वो 80000 रैंक वाला बच्चा हो, हर कोई मेडिसिन के पीछे यहाँ पे रहता है। ठीक है, और ये है कि रेडियोलॉजी में वर्कलोड बहुत कम है और मेडिसिन में थोड़ा वर्कलोड यहाँ पे ज़्यादा है, मशीन्स इक्विपमेंट्स है वो ज़्यादा आते हैं रेडियो में, मतलब थोड़े कॉस्टली रहते हैं, और इधर हम मेडिसिन में बात करें तो एक इजीली आपका सेटअप यहाँ पे रेडी हो जाता है। अगर जॉब्स के बारे में बात करें तो दोनों में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, और ये होता है कि मेडिसिन के बाद आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं, चाहे आप DM कर सकते हैं, नेफ्रो में जा सकते हैं, कार्डियो में जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपके बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, बट रेडियो में अगर आप बिल्कुल एक सॉर्टेड आगे लाइफ जाना चाहते हैं, ठीक है, लाइफ के साथ चलना चाहते हैं, तो एक रेडियोलॉजी यहाँ पे भी अच्छा एक ऑप्शन निकल के आ सकता है। ठीक है, तो मेडिसिन में ये जो रेडियो में जो डिफरेंस निकल के आते हैं, रेडियो की सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इस वजह से जो कट ऑफ में भी है वो आपको कम बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है मेडिसिन से। ठीक है, और मेडिसिन में डिमांड बहुत ज़्यादा है और आप मेडिसिन की तरफ भी जा सकते हैं चाहे तो। ठीक है, और कट ऑफ के बारे में भी साथ साथ इसके बारे में बात कर लें, तो अगर रेडियो में बात करें तो रेडियो में गवर्नमेंट तक ही खत्म हो जाता है, 5000 से लेकर 6000 तक पे आपको मिल सकती है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा से, और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, ठीक है, अगर आपकी रैंक है 20000 22000 तक में, तो इसमें आपको 25 लाख पर एनम वाली फीस तक के जो कॉलेजेस हैं वो इजीली मिल जाएंगे, और अगर आपकी रैंक है यहाँ पे 40000 50000 60000 तो आपको जो 50 लाख तक वाली फीस है उस पर भी यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं रेडियो के बारे में। इसके अलावा अगर मेडिसिन के बारे में बात करें तो मेडिसिन का भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, हाँ ये है कि थोड़ा फर्क देखने को मिलता है, बट वही है कि सीट्स उसकी ज़्यादा है, रेडियो की कम है, तो इसलिए जो फर्क है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और आपको यहाँ पे भी इजीली यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हुई नज़र आ सकती हैं। और जनरल मेडिसिन में अगर ऑल इंडिया कोटा में बात करें तो अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जाती है यहाँ पे, ठीक है, अगर काउंसलिंग, तो आपको ये 7000 तक पे भी आपको जो सीट है वो मिलती नज़र आ सकती है। इस बार सीट्स बहुत ज़्यादा एड ऑन हो रही हैं, तो उस वजह से जरूर आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ठीक है, और जैसे तो आपको मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया था कि पॉजिटिविटीज़ में इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा DNB और NB डिप्लोमा की जो सीट्स है उसमें ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। बट जो हायर क्लिनिकल हैं अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा से, तो उसमें इतना फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट में इतनी सीट्स इंक्रीज़ नहीं हो रही है, प्राइवेट में अच्छी खासी सीट्स इंक्रीज़ हो रही है, और साथ साथ डीन में भी हो रही है, तो यहाँ से आपको जो फर्क है जरूर वो आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और अगर प्राइवेट कॉलेजेस में बात करें MD मेडिसिन में, MD जनरल मेडिसिन में, तो अगर आपकी रैंक ऑलमोस्ट आती है 25 से 30000 तक में भी, तो भी आपको इजीली जो सस्ते कॉलेजेस हैं, ठीक है, सस्ते कम फीस वाले कॉलेजेस, वो आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद जो ब्रांच आती है वो आती है यहाँ पे डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी को आप सेकंड पे भी रख सकते हैं, आप थर्ड पे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाती है, ठीक है। वो रीज़न ये है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है इंडिया में, और जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। इस वजह से जो डर्मेटोलॉजी की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है, ठीक है। ये भी एक सॉर्टेड ब्रांच है, ठीक है। आप अगर रिलैक्स होकर चलना चाहते हैं आगे इन फ्यूचर, तो ठीक है, तो आप डर्मेटोलॉजी को भी आप देख सकते हैं, इतना वर्कलोड यहाँ पे भी नहीं देखने को आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर मेडिसिन में बात करें तो यहाँ पे ड्यूटीज बहुत ज़्यादा आपको देने पड़ सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको जो फ़र्क है ये देखने को मिल सकता है डर्मेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो। कट ऑफ इसकी भी अगर बात करें तो ऑल इंडिया कोटा से जो कट ऑफ है इनकी, इसके आपको 4 to 5,000 के बीच कहीं ना कहीं कम होती नज़र आती नज़र आ सकती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जो नेक्स्ट ब्रांच आती है वो निकल के आती है यहाँ पे पीडिया। पीडिया पे बहुत ज़्यादा हमेशा से लोड रहता है, ठीक है। पीडिया या तो आप फर्स्ट काउंसलिंग में चूज़ कर लें, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आपको एंड तक जाते जाते जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई नज़र आती जा सकती है, ठीक है। क्योंकि जब स्टूडेंट्स पहले फर्स्ट और सेकेंड राउंड में ट्राई करते हैं कि चलो उन्हें रेडियो या मेडिसिन इंटरमा मिल जाए, जब नहीं मिलती तो वो सेकेंड थर्ड राउंड पर आते आते जो वर्कलोड होता है पीडिया पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो पीडिया है उसकी भी कट ऑफ यहाँ पे हाई चली जाती है, ठीक है। तो पीडिया एक अच्छी ब्रांच है, ठीक है, इनमें भी, बट यही है कि थोड़ा इस पे भी ऊपर जो पीडिया पे है वो वर्कलोड काफ़ी अच्छा खासा रहता है, बट एक डिमांडिंग ब्रांच है अगर एनसीए साइड से है, ठीक है। किसी एक मेट्रो टीयर 1 सिटी से हैं तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है, ठीक है। टीयर 2 में भी अच्छा स्कोप है, तो आप पीडिया की तरफ भी देख सकते हैं। और पीडिया पे हाई कट ऑफ जाने का एक और रीज़न होता है, वो ये होता है कि पीडिया के एमडी ब्रांच है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे जो ऑप्शन बचते हैं वो बचते हैं उसके बाद जनरल सर्जिकल जो ब्रांचेज है वो बचती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट पीडिया की तरफ इसलिए देखते हैं कि थोड़ी एक एमडी ब्रांच है और उस पर सर्जिकल इतना काम नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और बात करें अगर कट ऑफ के बारे में तो ऑल इंडिया कोटा से 10 to 11,000 अगर रैंक है तो आप बिल्कुल सिक्योर है, सिक्योर होकर चल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट वही है कि आपको यहाँ पे मॉपअप तक जाना पड़ सकता है, बट आपको ब्रांच पहले देख के रखना पड़ेगा कि किस कट ऑफ तक यहाँ पे हमें चलना है और सेकंड ऑप्शन हमारी प्रायोरिटी वहाँ पे क्या रह सकती है, ठीक है। 2 से 3 अपने ब्रांचेज लेके चलें, जितना ब्रांचेज से कॉम्प्रोमाइज मत करें, ठीक है। कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज एक बार भी फिर भी किया जा सकता है, ब्रांचेज एक ऐसी चीज़ है जबकि लाइफ टाइम आपके साथ चलने वाली है, ठीक है। और हम इसके साथ बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, तो ऑल इंडिया कोटा से अगर आपकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है यहाँ पे 10 to 11,000 के बीच, और अगर डीएनबी में अगर देख रहे हैं तो 22,000 तक क्लोज हो सकती है, और उसके अलावा एनबी डिप्लोमा में देख रहे हैं तो 37,000 तक भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। पीडिया के बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है टीबी एंड चेस्ट का। टीबी एंड चेस्ट के बारे में बात करें तो उसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है। तो टीबी एंड चेस्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है पीडिया के साथ साथ ही। तो इसमें अगर रैंक के बारे में बात करें अगर हम तो 18,000 तक ये ऑल इंडिया कोटा से यहाँ पे क्लोज होती नज़र आ सकती है। तो डीएनबी में 23,000 तक पे भी आपको, तो डीएनबी में आपको 21,000 रुपये भी मिल सकता है, और इसके अलावा अगर बात करें डिप्लोमा के बारे में तो 42,000 रुपये भी आपको टीबी एंड चेस्ट मिल सकती है। और प्राइवेट कॉलेज में बात करें अगर आपकी 80,000 तक भी रैंक है तो भी आप जो फीसिज हैं 25 लाख से लेकर 30 लाख तक वाली फीसिज उस पर आप यहाँ पे वर्क ऑन कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, आपको वो अच्छे से जो वो कॉलेज हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके अलावा कम फीसिज वाले भी हैं, 8 लाख वाली फीस भी है, 11 लाख है, 14 लाख है, ठीक है, 18 लाख वाली फीस है, 21 लाख भी है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द आपकी कितनी रैंक है उस हिसाब से आपको ये ब्रांच है वो मिल सकती है। काउंसलिंग आपकी इसके लिए बट अच्छे से होनी चाहिए, आपको कैसे काउंसलिंग करनी है, किस हिसाब से करनी है, कौन से स्टेट की तरफ मूव करना है, कौन से ओपन स्टेट में जाना है, अपने स्टेट में नहीं मिल रहा तो कौन से नियर बाई स्टेट में जाएँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है और सारी चीज़ें काउंसलिंग के थ्रू ही की जा सकती हैं। आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं काउंसलिंग, किसी को आप हायर भी कर सकते हैं, चाहे हमारी टीम को आप हायर कर सकते हैं, ठीक है। तो बट एक आपकी काउंसलिंग है जो प्रॉपर वे से होनी चाहिए, ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज मत करना, अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है। कॉलेज से एक बार फिर भी आप जो कॉम्प्रोमाइज है वो कर सकते हैं, तो आप ब्रांच को देख के चलें और ये देखना है कि आपको प्रायोरिटी किसको देनी है। अगर ऑल इंडिया कोटा सीट नहीं आती है तो आप क्या सोचते हैं, या तो आप डीएनबी के जा रहे हैं, ठीक है, या इसके अलावा डिप्लोमा चाहते हैं, ठीक है, नहीं मिलता तो आप एमडीएमएस में लोअर बजट की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो उसके अलावा एमडीएमएस जो है हायर बजट की तरफ भी आप जा सकते हैं, सब भी नहीं चीज़ें आ रही हैं तो फिर नॉन क्लिनिकल ऑप्शन उसके बाद तो बच ही जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो अपनी अपनी काउंसलिंग है वो करनी है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें जो ऑप्शन आते हैं, ठीक है, और तो ओब्स एंड गाइने, ठीक है, उससे पहले हम बात करें ऑर्थो सर्जरी से पहले ओब्स एंड गाइने, तो ओब्स एंड गाइने की अलग ही डिमांड रहती है, ठीक है। और ओब्स एंड गाइने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो इस पे भी प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है काउंसलिंग में आते, और इसमें फर्स्ट राउंड से शुरू हो जाता है, ठीक है। ओब्स रहने का एक अलग ही जोन है अपना ही, एक ठीक है, एक अलग ही सेक्शन है जहाँ पे फर्स्ट राउंड से इस पे हमेशा से प्रेशर रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे इसकी एक अपनी एक सीक्वेंस है कट ऑफ का, और वो हमेशा से यहाँ पे बना रहता है। और लास्ट अगर हम बात करें तो ये आपको 12.5K पे खत्म हो गई थी, और इस साल जो सीट बढ़ रही है जिस हिसाब से तो इस बार ये 14,000 तक की कहीं ना कहीं क्लोज हो सकती है, ठीक है। और बात करें डीएनबी के बारे में तो डीएनबी में 21 से लेकर 22,000 के बीच कहीं ना कहीं क्लोज हो सकती है, इसके अलावा डिप्लोमा
हवा में एक्सटेंड कर सकती है 38 से लेके 40,000 तक पे भी इस पर आपको चांसेस हैं आप मिल सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट में अगर आप बात करें तो अगर आपकी 70,000 तक रैंक है तो आप 25 से लेकर जो 30 लैक्स पर एनम वाली फीसें आप उसके लिए यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, वो इजीली आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर 70,000 से ऊपर है रैंक तो आपको जो फीसें है वो हाई फीसें यहाँ पे करनी पड़ सकती है, अप टू 40 लाख से लेकर 50 लाख पर एनम तक आपको फीस यहाँ पे करनी पड़ सकती है। वही सेम चीज़ इसमें भी है कि अगर आपकी रैंक कम है, ठीक है, 30,000 या 20,000, तो आपको कम फीस वाले भी जो कॉलेजेस हैं आपके पास अवेलेबल रहेंगे। 8 लाख फीस है, 11 लाख है, 14, 20, 21, 25, तो ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी हो गया जहाँ पे कम फीस है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे 20-25 वाली फीस है, हाँ माइनॉरिटी कॉलेजेस की अलग फीस है तो आप उसके लिए अलग देख सकते हैं। ठीक है, डीम्ड में काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं जहाँ पे कम फीस वाले ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, हरियाणा हो गया जहाँ पे कम फीस है, मध्य प्रदेश में भी है बट वहाँ पे बॉन्ड है। ठीक है, तो आपको उसको देख के चलना पड़ेगा और पार्शली काउंसलिंग वहाँ पे होती है तो उन चीज़ों को आपको देख के चलना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल है, बिहार आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन यहाँ पे बचते हैं, ठीक है, ऑप्स करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो ब्रांच आती है वो आती है ऑर्थो या सर्जरी। ठीक है, अब पहले क्या होता था, लास्ट ईयर हम ट्रेंड्स को देखें, देखो दोनों ही सर्जिकल ब्रांच है पहले आपको मैं बता दूं, और लास्ट ईयर आप ट्रेंड्स उठाओगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो पहले शिफ्ट होता था ऑर्थो की तरफ, अब वो शिफ्ट यहाँ पे डाइवर्ट होता हुआ नजर आ रहा है सर्जरी की तरफ। ठीक है, क्योंकि ऑर्थो में थोड़ा जो वर्कलोड है वो बढ़ता हुआ नजर आया। ठीक है, हॉस्पिटल्स में भी थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिला, जो बहुत ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं वो, ठीक है, इतना हैक्टिक हो जाता है उनका स्केड्यूल, तो इस वजह से वो थोड़ा सा मूव करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे सर्जरी की तरफ। आप कट ऑफ में भी देखेंगे आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो अब आपने सेलेक्ट करने कि आप ऑर्थो पे देंगे ध्यान या सर्जरी पे। ठीक है, पहले शिफ्ट जो प्रेशर रहता था ऑर्थो पे, वो सर्जरी पे भी इस साल आपको थोड़ा देखने को मिल सकता है। ठीक है, NRI कोटा की जो सीट्स हैं वो बढ़ती यहाँ पे नजर आ रही हैं। ठीक है, और NRI कोटा के स्टूडेंट्स जो पहले काफ़ी कम हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवेयर हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स उनको पता चल चुका है, कैसे सभी को ऑलमोस्ट पता चल चुका है कि कैसे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कोई फ्रेंड से बनवा लेता है, कोई फैमिली रिलेशन निकाल के, ठीक है, कर लेता है। तो इस हिसाब से आपको देखना है कि कट ऑफ है वो वेरी भी इस बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, बट पॉजिटिव शिफ्ट है, कहीं ना कहीं हमें रैंक का आपको इंक्लेनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये है कि आपको तो कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जहाँ पे आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा, कुछ है कि हाँ न्यूट्रल देखने को मिलेगा, बट नेगेटिव इतना नहीं देखने को मिलेगा। रेडियो जैसी ब्रांचेज हैं और मेडिसिन जैसी, डर्मा जैसी ब्रांचेज हैं वहाँ पे, हाँ जैसे मेडिसिन में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकते हैं, रेडियो में चीज़ें न्यूट्रल रह सकती हैं, डर्मा में थोड़ा सा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। और जो बाकी इसके अलावा हम कुछ ब्रांचेज के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में आगे फर्दर हम बात करते हैं कितना शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है। और अगर हम ऑल इंडिया कट ऑफ के बारे में बात करें जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो जो कट ऑफ रह सकती है दोनों की, ऑर्थो की या अगर हम जनरल सर्जरी की बात करें, तो 14-15,000 रह सकती है। ठीक है, सीट इंक्रीज हो रही है, लास्ट ईयर 13,000 तक चीज़ें मिल गई थी, बट इस साल आपको 14,000 तक में भी चीज़ें देखने को मिल सकती है। सर्जरी में थोड़ी 13,800 कुछ देखने को मिल सकता है, और ऑर्थो में 14,200, तो इसके बीच ही ऐसे ऐसे कट ऑफ रह सकती है। और DNB में जनरल सर्जरी में बात करें तो आपको 28,000 तक में भी जो चीज़ें हैं वो मिलती हुई नजर यहाँ पे आ सकते हैं जनरल सर्जरी में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच के बारे में। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी आपको पता है ऐसी ब्रांच है जहाँ पे आपको वन ऑन वन बैठ के पेशेंट से अच्छे से बात करनी होती है, उनकी चीज़ें समझनी होती है, उनकी लैंग्वेज में समझनी होती है। ठीक है, इससे पहले मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको, जो बाकी ब्रांचेज है उसमें आप जो अपनी कॉम्प्रोमाइज है वो स्टेट से कर सकते हैं। ठीक है, किसी और स्टेट में मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उस स्टेट में अपने स्टेट में ब्रांच नहीं मिल रही है, नियर बाय स्टेट में नहीं मिल रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम साइकेट्री की बात करें तो इसमें आप ढूंढें कि आपको, और आपको नहीं मिलता अपने स्टेट में, तो आप अपने नियर बाय स्टेट में ही देखें तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, जैसे नॉर्थ वाले साउथ की तरफ मूव ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा साउथ वाले नॉर्थ की तरफ, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अब अगर आप जैसे कोई नॉर्थ का यहाँ पे डॉक्टर, नॉर्थ के डॉक्टर हैं कोई, वो साउथ जाते हैं, ठीक है, साउथ में वो पेशेंट से बात करते हैं, वो चीज़ों को इतनी सारी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं उन्हें वो जो पेशेंट से बात करने में थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, एक जनरल बात कर रहे हैं हम ये। ठीक है, और इसी तरह से साउथ का जो डॉक्टर होगा कोई, वो अगर नॉर्थ जाता है, ठीक है, नॉर्थ में अगर वो किसी हॉस्पिटल में बैठ कर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, अपने उसके बाद GR Shift करते हैं, तो ये चीज़ जो पेशेंट से बात करने में जो चीज़ें हैं वो समझने में थोड़ी दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इसमें बेटर यही रहता है सेक्रेटरी में कि आप जिस स्टेट से हैं या नियर बाय स्टेट से हैं, आप उसी में रहें, उसमें अपनी ब्रांच ढूंढें तो आपके लिए ज़्यादा वो बेटर रहता है। ठीक है, तो इसके साथ हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया कट ऑफ से जो 22,000 तक आपकी रैंक है तो आपको ईजिली यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं बहुत सारे जिनका बजट 50 लाख से लेकर 60 लाख तक है, उसमें भी आपको ईजिली मिल जाएगा। अच्छे ऑप्शन हैं 80,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको ईजिली जो कॉलेजेस हैं वही 25 से लेकर 30 लाख पर एनम वाली फीस में इजिली आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो सेक्शन आता है हमारा वो आता है एनेस्थीसिया, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी। इसको हमने एक लोअर क्लिनिकल सेक्शन में रखते हैं, मिडिल जो हमारा क्लिनिकल सेक्शन था, मिडिल क्लिनिकल था वो था जनरल सर्जरी हो गया, ठीक है, ऑर्थो हो गया, TB चेस्ट हो गया, तो आप इनको रख सकते हो। इसके अलावा जो अपर क्लिनिकल हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, मेडिसिन हो गया,
इसके अलावा डर्मेटोलॉजी हो गए, पीडिया हो गए, तो आप इनको यहाँ पे अपर क्लिनिकल की तरफ रख सकते हैं, ठीक है। मेडिकल में मिडिल में आप ऑप्स लेने भी रख सकते हो, ठीक है। लोअर क्लिनिकल में जैसे साइकेट्री आ गई और ENT ऑफ्थेल्मो और इसके अलावा एनेस्थीसिया, ये जो तीन आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल एक अलग सी एक इनका एक अलग ही अपना ब्रांच है, अलग इनकी एक सेक्शन है, ठीक है। इनकी अगर मैं बात करूँ कट ऑफ के बारे में, बहुत कट ऑफ डाउन इस बार जाने वाली है। जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ हो रही हैं वो इन तीनों ही ब्रांचेज में हो रही हैं, आपको ईजिली मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है और मार्क्स कम है तो आपको इजीली यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं एनेस्थीसिया, ENT और ऑप्थेल्मो के लिए। और अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो ऑप्थेल्मोलॉजी की जो कट ऑफ है वो आपकी रह सकती है 23,000 के बीच, कहीं ना कहीं ENT रह सकती है 23,000 से 24,000 के बीच, और अगर हम बात करें एनेस्थीसिया के बारे में तो 27,000 तक पे भी आपको देखने को मिल सकती है, अगर इसी तरह से नंबर ऑफ सीट्स जो इंक्रीज होती रही। हमें आपको पता है डेली आपको अपडेट मिल रहे हैं हमें वेबसाइट पे NMC की अगर हम बात करें, ठीक है, डेली अपडेट्स आ रहे हैं NB की वेबसाइट पे, DNB जो डिप्लोमा के अपडेट्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। जिस हिसाब से सीट इंक्रीज हो रही है उस हिसाब से जो कट ऑफ है वो हाई यहाँ पे जाती नज़र आई, बेसिकली लो कह सकते हैं हम इसको, आ सकती है नज़र आती हुई, ठीक है। और DNB डिप्लोमा के बारे में बात करें तो ENT में आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है, 80,000 तक पे भी अगर आपकी रैंक है, ठीक है, तो आपको ईजिली यहाँ पे एनेस्थीसिया बात करें, ठीक है, इसके अलावा ENT का ऑप्थेल्मो आपको डिप्लोमा ईजिली मिल जाएगा, और 37,000-38,000 तक आपको ENT यहाँ पे मिल सकती है DNB में, और 47,000-48,000 तक आपको एनेस्थीसिया भी पे इजिली यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा प्राइवेट में बहुत यहाँ पे अगर आपकी रैंक 40,000-50,000 तक भी है तब भी आप जो बिल्कुल लो फीसिस हैं उनकी तरफ भी जा सकते हैं, जो 14 लाख फीसिस हैं, ठीक है, जैसे हरियाणा जैसे स्टेट हो गए, कर्नाटका हो गए, तेलंगाना हो गए, तमिलनाडु है, ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी और भी 14 लाख वाले जो इसमें आप, ठीक है, जो स्टेट्स हैं इनकी तरफ आप ओपन काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं, जो ओपन स्टेट्स हैं, तो इनमें आपके जो चांसेज हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बढ़ सकते हैं, ठीक है, आपको जो कॉलेजेस या आपकी जो ब्रांच है फेवरेट वो मिलने के, ठीक है। तो आपको देख के चलना है काउंसलिंग कैसे करनी है, किस हिसाब से करनी है, किस तरीके से करनी है, कौन सी चॉइस फिलिंग में अपर ऑर्डर में रखने हैं ब्रांचेस को, कौन को आप लोअर क्लिनिकल सेक्शन में रखेंगे, अगर बजट आपका बढ़ता है इनकेस, ठीक है, किसी के लिए कुछ नहीं मिल रहा, आपको एक और चीज़ है कि मोपअप तक जाना है या नहीं जाना, ये सबसे बड़ा कंसर्न है, ठीक है। सेकंड राउंड पे मिल जाए जो भी आप मिलेगा उससे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे चल जाएगा, ठीक है, नहीं तो आप मोपअप में जा सकते हैं, रिस्क भी ले सकते हैं, ठीक है। स्टे वैकेंसी इन केस अगर होता है जैसे लास्ट ईयर हुआ था तो भी थोड़े चांसेस हो सकते हैं कॉलेज मिलने के, बट वही आप पे डिपेंड करता है कि आप वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे, आप सेकंड राउंड तक आते आते चीज़ों को ग्रैब कर लेंगे या आप उसको छोड़ के आप फिर आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी काउंसलिंग पे डिपेंड करता है, आप कैसे काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप कुछ भी काउंसलिंग कर सकते हैं, आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, आप लास्ट ईयर के 4 to 5 years की अपने एक बार कट ऑफ उठाएं और देखें, चीज़ों को एनालाइज करें कि किस किस रैंक पे वो मिल रही हैं, ठीक है। और देखो ये नहीं कह सकते कि हाँ सेम टू सेम वही रैंक रहेंगी, बट हाँ जो वो 100 से लेकर 200 या 500 तक रैंक का डिफरेंस आता है वो आपका वो ही आपकी जो वो आपकी ब्रांच है वो डिसाइड करने वाला है, उसके लिए आपकी काउंसलिंग अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। देखो कुछ ऐसे बहुत सारे काउंसलर्स हैं वो आपको आप सुनोगे उनको सुनते हुए कि 4 to 5 आप लास्ट ईयर के डेटा मत उठाओ, उनको कुछ नहीं पता चलता, उससे कुछ नहीं पता चलता। तो देखो रेडियो आज भी 5,000 तक खत्म होती आ रही है, 3,000 पे खत्म हो जाती है, मेडिसिन आज भी 5,000 पे खत्म आ रही है, खत्म हो रही है, ठीक है। वही सर्जरी यहाँ पे खत्म हो जाती है 10,000 तक, और इसके अलावा वही PDI 9,000 तक खत्म आ रही है। तो ये लास्ट की ट्रेंड है, 3-4 साल से सेम चीज़ें आ रही है ना रिपीट, तो फर्क कितना आता है, वो जो 300 से 400 रैंक होती हैं, ठीक है, 500 से 700 रैंक होती हैं, तो जो वो डिफरेंस क्रिएट होता है वो डिपेंड करता है आपकी काउंसलिंग पे, ठीक है। तो लास्ट का डेटा उठाया जा सकता है, चीज़ों को समझे जा सकता है, अगर 10,000 के आसपास है तो देखें कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं, कौन कौन से ब्रांचेस मिल सकती हैं, और उन्हीं 1 से 2 को ब्रांचेस या 2 से 3 मैक्सिमम आप लेके चलें, बस सेलेक्ट करने पहले और तभी आप चीज़ों को आगे उससे आगे मूव ऑन करें, ठीक है। ब्रांच आपकी पूरी ज़िंदगी चलेगी, कॉलेज फिर भी नहीं मिलता इतना अच्छा तो उसे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, स्टेट भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है हर चीज़, बट ब्रांच नहीं की जा सकती, और ये आपको खुद सेलेक्ट करना है कि आपको कैसे वो काउंसलिंग अब आपको करनी होगी, ठीक है। हमारी टीम को आप कॉल कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर हमारे से आप बात कर सकते हैं पर्सनली, मेरे आप मीटिंग कर सकते हैं, ऑफिस में आ सकते हैं हमारे सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन नोएडा में, ठीक है, मैं वहाँ खुद बैठूंगा और आप मुझसे आपके पर्सनली आके वहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है, और हमारी टीम भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, आप समझ सकते हैं चीज़ों को। वेबसाइट पे जाएं हमारी, वहाँ पे आप हमारी जो पेड काउंसलिंग सर्विसेज हैं वो ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, DN सारी वहाँ पे बातें लिखी गई हैं कि कट ऑफ कौन कौन से जो पैकेजेस हैं उस पर क्या क्या आपको सर्विसेज वहाँ पे मिलने वाली हैं, 1-on-1 आपकी काउंसलिंग की जाएगी, ठीक है, स्पेशल एक काउंसलर आपको हायर करके दिया जाएगा, आप वहाँ से पे नाउ पे करके आप हमारी जो सर्विसेज हैं वो अवेल कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा। हमारे अदर ऑफिसेज हैं पुणे, मुंबई और बेंगलोर वाले, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, एड्रेस आप ले सकते हैं, नंबर है जो उस पर कॉल करके, वेबसाइट पे विजिट जरूर करें, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन भी अपना जो है कर सकते हैं, ठीक है। ये थे अभी के लिए, वीडियो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, ठीक है।